हेलो स्टूडेंट्स, सो यार टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट रीप राजस्थान। हालांकि रीप राजस्थान के एप्लीकेशन फॉर्म रनिंग के अंदर चल रहे हैं, आपको 15 जुलाई तक का टाइम दिया गया है टू फाइल योर एप्लीकेशन टू द रीप गवर्नमेंट बॉडी, जो कि आपको सीट दिलाएगी डिफरेंट गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड प्राइवेट कॉलेजेस इन द राजस्थान। हालांकि रीप राजस्थान जो है हमारे आसपास के स्टेट्स के अंदर बहुत बड़ी, सबसे बड़ी काउंसलिंग बॉडी होती है। 14,000 से ज्यादा जो है सीटें वहाँ पे अवेलेबल है। हालांकि सीटें अगर राजस्थान की गवर्नमेंट एंड प्राइवेट टोटल बात करें तो 28,000 के आसपास टोटल सीटें होती है। एंड जो एप्लीकेशन आते हैं जनरली 28,000 के आसपास टोटल सीटें अवेलेबल है। जनरली जो एप्लीकेशन आते हैं रीप राजस्थान के अंदर वो 13,000 से लेके 15,000 एप्लीकेशन रीप के अंदर हर साल बच्चे फाइल करते हैं। एंड जो सीटें अलॉट होती है, जो बच्चे एडमिशन लेते हैं जनरली, वो अप्रोक्स 8,000 से लेके 10,000 या फिर जनरली जो है 11,000 से लेके 12,000 तक भी सीटें अब जाती है। खैर आज हम बात करेंगे रीप रैंक प्रोसेस, आपको किस मार्क्स तक, कौन सी जेई मेन की रैंक तक एंड ऑल्सो आपके 12th के बेसिस पे आपको कौन कौन से ब्रांचेज, कौन से कॉलेजों में अलॉट होने के चांसेस हैं और क्या सारा प्रोसेस है। यार चलिए शुरू करते हैं रीप राजस्थान के साथ गाइस। हाँ, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बहुत ही ज्यादा डीमोटिवेट नहीं होना है, ऐसा ही होता है यहाँ पर, राजस्थान है ये, ठीक है। यार लोट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम द राजस्थान आर वेटिंग फॉर द कॉलेजेस। हालांकि यार पहले ही क्लियर कर दूं मैं कि बहुत सारे कॉलेजेस है वैसे राजस्थान के अंदर। आप इधर से चलोगे ना, सीकर, झुंझुनू, नागौर, अकोटा, भीलवाड़ा, भरतपुर, करौली, दौसा एंड आजकल तो पता नहीं 100 गहलोत ने कितने कितने जिले बना दिए, अप्रोक्स 50 के आसपास जिले बना दिए हैं। लेकिन अगर कॉलेजों की बात करें जिनके अंदर हमको एडमिशन लेना है, जहाँ पे इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, इंफ्रा डेवलपमेंट, ये फंडिंग ये वगैरह है, तो कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे। लेकिन हाँ, आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा, ठीक ठाक नौकरी भी मिल जाएगा एंड बस यही है, और खुद आपको एकदम लस ग्रीन जिंदगी, एकदम तेरे नाम वो सब यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। ऐसा अगर सोच रहे हो एकदम लस ग्रीन जिंदगी होगी मूवी वाली, आपका एकदम एक करेक्टर होगा स्पेशल है, आपके ऊपर नेटफ्लिक्स वाला ऐसे सीन चलेगा और ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एकदम धोरा वाली धरती, गर्मी के साथ, ना एसी ना रूम, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। खैर शुरू करते हैं यार, बहुत ज्यादा कोई कॉलेज नहीं है राजस्थान के अंदर, स्पेशली आप गवर्नमेंट कॉलेजों में 5 से 6 कॉलेज एक्सेप्ट कर सकते हो कि हाँ आपका अगर इनमें एडमिशन हो जा रहा है देन यू विल डू वेरी वेल टिल 4 इयर्स एंड आफ्टर 4 इयर्स आपको एक अच्छा सा नौकरी जिसके अंदर आपको रोटी, कपड़ा, मकान, दुकान ये सब आप कर सकते हो, ये सब मिल सकता है। 4-5 गवर्नमेंट कॉलेज है एंड कुछ ही प्राइवेट कॉलेज है जहाँ पे आपको कुछ फायदा हो सकता है 4 साल पढ़ने का, एंड बाकी तो सब गंगूराम तेलीराम ऐसा कुछ आप समझ सकते हैं। कुछ कॉलेजेस की बात लेते हैं, जैसा कि MBM जोधपुर है, CTI उदयपुर है, उसके बाद में आपका कॉलेज आता है GEC अजमेर है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर है, एक अजमेर के अंदर गर्ल्स कॉलेज है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर के अंदर एक गर्ल्स कॉलेज पड़ता है जहाँ पे गर्ल्स पढ़ाई करती है। और उसके बाद हमारा RTU कोटा आता है, एक BTU बीकानेर है, ठीक है। ये तो कुछ हो गए गवर्नमेंट के कॉलेजेस, हालांकि एक दो छोटे मोटे और भी ठीक ठाक कॉलेज आपको मिल जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं भाई हमको तो जयपुर के आसपास नजदीक इधर उधर पढ़ना है, तो यार इधर कोई बहुत अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जैसे आपने देखा होगा JECRC हो गया, पूर्णिमा हो गया, आर्या हो गया, SKIT हो गया, ये कुछ अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनको अच्छा कंसिडर किया जाता है एंड IRF इनका अच्छा है, प्लेसमेंट अच्छा होता है, स्टूडेंट रैंकिंग काफी अच्छी है। अब अगर बात करें यार, बाकी तो बहुत सारे कॉलेज आपको प्राइवेट मिल जाएंगे, गवर्नमेंट मिल जाएंगे, आपको कोने कोने पे मिल जाएंगे, इधर सीकर, झुंझुनू, भरतपुर, नागौर, आप इधर भी जाओगे यार कोने कोने पे आपको कॉलेजेस मिल जाएंगे, डिफरेंट टाइप के कॉलेज मिल जाएंगे। आप एग्रीकल्चर ले लो, आप कुछ भी ले लो किसी भी फील्ड में, कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या, तो आपको इतने कॉलेजेस मिल जाएंगे। मैं किसी कॉलेज को भला या बुरा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एज माय ओपिनियन ये जो मैंने कॉलेजेस बताए ये अच्छे कॉलेजेस हैं, ठीक है। अब इनका नंबर भी सुन लो भैया, 11,000-12,000 बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, 4-5 कॉलेजेस हैं जिनकी टोटल कैपेसिटी जो स्टूडेंट्स की है वो मैक्सिमम मान के चलो कि 2,000 कैपेसिटी होगी, 2,500-3,000 मैक्सिमम मान के चलो, इससे ज्यादा बच्चों को ये लोग नहीं रख सकते। आपके अगर JEE के अंदर 80% से ऊपर आ रहे हैं देन आप अच्छा कॉलेज आप मान सकते हो इन कॉलेजेस के अंदर। गवर्नमेंट वाले कॉलेजेस में आपको ठीक ठाक ब्रांच मिल सकता है, लोअर ब्रांच मिल सकता है। ये जो प्राइवेट कॉलेज है इनमें अगर आपके अप्रोक्स 70%
या फिर मतलब अगर आपको कम भी हो तो आपको मिल जाएगा, नो वरी। जैसे रीप काउंसलिंग खत्म होगी ये कॉलेज अपना डायरेक्ट एडमिशन स्टार्ट कर देंगे। अभी इनके थोड़े भाव क्या है, बड़े हुए हैं, भाव इनके थोड़े बड़े हुए। नहीं नहीं भैया, हम तो रीप के थ्रू ही लेंगे। जनरली क्या होता है कि गवर्नमेंट इनको अलाउ ही नहीं करती भैया। जो भी सीटें हैं 85% सीटें मैं जो अपने हिसाब से भरूंगा, और बाकी तेरे पास जो 15-20% सीटें वो तू भर ले। इनको रीप ऐसे बोलता है, अपने हिसाब से तू भर ले, तेरे को जितने में बेचनी सीटें उतने में बेच, इतनी सीटें तो मैं ही दूंगा अपने हिसाब से, ठीक है। इसलिए प्राइवेट वालों की मनमानी नहीं चलती, वरना अगर इनके हाथ में होता ना तो आपको जो सीटें वो बहुत भारी भारी रकम में बेचते। वो बोलते 5 लाख लूंगा, 10 लाख लूंगा, इतनी फीस लूंगा, ठीक है। तो वो वाला सीन है इधर। खैर यार बहुत हो गया मजाक, अब बहुत सारी परेशानियां भी है क्योंकि रीप बहुत ही ज्यादा लेट है, ठीक है। काफी लंबा प्रोसेस है क्योंकि आपका जो रीप राजस्थान का जो राउंड है वो काफी लेट आएगा, क्योंकि पहले आउट ऑफ राजस्थान वाले जो कैंडिडेट है उनको मौका दिया जा रहा है, फिर TFW आपका सीट आएगा। ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिनको प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन लेना है। TFW का बेसिकली मतलब ये होता है आपकी ट्यूशन फीस लगेगी नहीं। तो प्राइवेट कॉलेजों में सबसे ज्यादा ट्यूशन फीस ही मार खाती है आपको, तो उनमें आपको जो ट्यूशन फीस है वो लगेगी नहीं। यानी कि आपका अगर नॉर्मली 10 लाख खर्चा हो रहा है बीटेक में, तो अगर आपकी TFW आपको सीट मिल सकती है, देन आपकी बीटेक टोटली अप्रोक्स यार 2 लाख या 1.5-2 लाख रुपए के अंदर हो जाएगी। मस्त माहौल है एकदम। जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं यार जो 12th बेस पर एडमिशन लेना चाहते हैं, देन रीप काउंसलिंग आपके लिए नहीं है। यू कैन अप्रोच डायरेक्टली टू द कॉलेजेस अगर उनके अंदर सीटें बसती है तो, स्पेशली प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस, क्योंकि जेई मेन वाले इतने कैंडिडेट है कि 12th वालों को प्रेफरेंस नहीं मिलेगी। इनफैक्ट आई हैव द सम स्टूडेंट्स लास्ट ईयर, वो हैव द 99.99% राजस्थान के ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट है जिनके 90+, 96%, 97% ऐसे तो हमारा स्टेट पढ़ा लिखा है, लेकिन उनको 1% भी तवज्जो नहीं दी गई। इनफैक्ट जेईई मेन में जिसके जो 10% या माइनस में परसेंटाइल है उसको पहले नंबर पे रखा जाता है, उसके बाद में अगर सीटें बसती है तो 12th बेस पे मौका दिया जाएगा। सर जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी जेईई मेन में अच्छे परसेंटाइल नहीं है, या फिर गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हैं, या फिर बहुत अच्छा उनको CSE ब्रांच, RTPCL ब्रांच, अच्छा ब्रांच मिल जाए, तो आउट ऑफ राजस्थान आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। स्पेशली आप पंजाब को टारगेट कर सकते हो, आप UP को टारगेट कर सकते हो, आप महाराष्ट्र को टारगेट कर सकते हो। भी हमको कौन सा अच्छा ब्रांच मिल सकता है, कहां पर मिल सकता है, इसके लिए हमारा हेल्पलाइन नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे दिया है, हम आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज सजेस्ट करते हैं उनकी फीस प्लेसमेंट के साथ। आपको अगर हमारा अच्छा न लगता है, नॉलेज आपको लगता है कि यार हमारे लिए अच्छा ब्रांच, अच्छा कॉलेज अलॉट करा सकते हैं, देन हमारी कुछ पेड काउंसलिंग सर्विसेज भी है, तो आप उनमें भी एनरोल कर सकते हैं। हमका आपके लिए बेस्ट कॉलेज, बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट यूनिवर्सिटी, बेस्ट प्लेसमेंट प्रोवाइड कराते हैं टू द कॉलेजेस। स्पेशली हम गवर्नमेंट कॉलेजों में ज्यादा डील करते हैं जिनमें भी सीटें अवेलेबल होती है। चाहे आप बहुत सारे केसेस में आप वाइस चांसलर को ईमेल डाल सकते हो, उसके हाथ में सारी की सारी सीटें होती है, उसको आप कन्विंस करो भैया तुमको क्यों सीट देनी चाहिए। अगर उनको लगता है कि लड़के को सीट तो देना चाहिए तो आपको दे सकते हैं, ठीक है। ये वाइस चांसलर वाला मेथड हर कॉलेजेस में अप्लीकेबल है। आप किसी भी कॉलेज में जा लो, चाहे आप MBM, RTU, CTE, JACRC, कोई भी प्राइवेट हो, कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज हो, वाइस चांसलर पूरे कॉलेज का मालिक होता है। वो चाहे तो किसी को एक भी सीट ना दे, वो चाहे तो किसी को 100 सीट भी दे दे, ठीक है। तो नो वरी, ऐसा हो जाता है जनरली बहुत सारे केसेस में। आपको लगता है कि यार मेरे को तो इसी कॉलेज में पढ़ना है, कुछ भी करना पड़े अपनी एक स्ट्रांग स्टोरी बनाओ, लिखो उसके अंदर कि मेरे को क्यों करना चाहिए, क्यों सीट दो, क्या करूंगा कॉलेज के लिए, क्या करूंगा देश के लिए, क्या करूंगा, एकदम लोगों को लगना चाहिए यार क्या लिखा है। और एट द एंड आपको सीट मिलने के सारे चांसेस रहते हैं, बस आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। और भी कोई सवाल हो, और भी आपके पास कुछ हो हमसे पूछने के लिए, हमारा हेल्पलाइन नंबर, हमारा व्हाट्सएप नंबर हमने आपके लिए दिया है यार, हमें अप्रोच कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, आपकी क्वारीज हम सोल्व कर सकते हैं, आपको अच्छा कॉलेज दिला सकते हैं, अच्छा ब्रांच दिला सकते हैं, अच्छा प्लेसमेंट वाला कॉलेज, अच्छी लोकेशन वाला कॉलेज। और हाँ, राजस्थान वाले जो स्टूडेंट्स है वो बहुत ज्यादा परेशान ना हो, रीप बहुत ज्यादा लेट है। अगर आपको लगता है कि यार आपके रैंक बहुत कम है, आपके परसेंटाइल जेई में 80 से कम आ रही है, आपके 12th के बेसिस पे आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, देन ये कॉलेजेस मैंने जो कॉलेजेस बताए, MBM, RTU, CTE एंड गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर, उसके बाद में कुछ प्राइवेट कॉलेजेस, ये मिलने के बहुत ही लोअर चांसेस है। अगर आपने रीप में अपना टाइम वेस्ट किया अप्रोक्स 1 महीना, तो अदर जो कॉलेजेस है, स्टेट वाले गवर्नमेंट जो कॉलेजेस हैं, उनकी काउंसलिंग भी चली जाएगी, उनकी क्लासे भी स्टार्ट हो जाएगी, आपका साल भी बर्बाद हो जाएगा, आपका एडमिशन भी ना होगा। तो आप डिसीजन लें, सोच समझ के डिसीजन लें, हमारी टीम से पूछें, और भी अदर बहुत सारे काउंसलर आपको मिल जाएंगे मार्केट में, आप
उन लोगों से दूर रहें जो कि आपको बोलते हैं भैया 200 रुपए में आपकी काउंसलिंग कर दूंगा, मैं तुम्हारी प्रेफरेंस लिस्ट बना के दे दूंगा। है बहुत सारे लोग देखे मैंने ऐसे 999 रुपए में काउंसलिंग, 799 रुपए के अंदर काउंसलिंग। हमारे बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, आप देख सकते हो, नीचे ज्वाइन कर सकते हो। आते हैं व्हाट्सएप से कॉन्टेक्ट कॉपी किया, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में एड करेंगे, आपको मैसेज आएगा 799 में पेड काउंसलिंग ले सकते हैं। क्या करते हैं पोलिजो, एकदम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे भर के आपको लिस्ट बना के दे देंगे। लो जी ये डाल दीजिए ऑफर लिस्ट के अंदर। भाई आपको कोई सीट अलॉट ही नहीं हो रहा है, आपके नंबर ही 60% बन रहे हैं, आपने जेई का एग्जाम ही नहीं दिया है, आपको 700 रुपए में प्रेफरेंस लिस्ट बना के दे दी, आपको लगता है अभी पेड काउंसलिंग मिल गई, अच्छा एडमिशन हो जाएगा। नहीं होता ऐसा, ऐसे चट्टूखोरों से दूर रहे आप, ठीक है। अपने करियर पे फोकस करें, आपने जो जेई का एग्जाम दिया है 2 साल वेस्ट किया है, ठीक है ना, उसको किसी अच्छी लोकेशन पे अच्छे लोगों से मिलके अच्छी कॉलेज में एडमिशन लेके उसको वहां पर इन्वेस्ट करें, क्योंकि 4 साल का आपका जो जिंदगी है वो दोबारा नहीं आएगा। 4 साल बाद में आप अभी जो डिसीजन ले सकते हैं वो बाद में नहीं ले पाएंगे, जब नौकरी नहीं लगेगा, चारों तरफ से लोग सवाल करेंगे और कोई रास्ते भी नहीं बचेंगे चारों तरफ से, देन बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज होती है। तो टेक योर डिसीजन आफ्टर डिस्कसिंग विथ योर पेरेंट्स एंड गुड मैन।